दोस्तों, रक्षाबंधन के आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धूमधाम से आज बहन भाई रक्षाबंधन त्यौहार मना रहे हैं। यह हमारा फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई बहन के लिए, इसलिए आप सब लोग रक्षाबंधन को खूब अच्छे से मनाइए और अपने बहन को गिफ्ट दे, अच्छे खाना खिलाएं। रक्षाबंधन है और देखिए ढेर सारी राखियां हमारे हाथों में बना हुआ है। ये भाई बहन का प्यार और लाड़ है। आज रक्षाबंधन सदियों से मनाए जा रहे हैं, हमारी जो परंपरा है। ऐसे तो हिंदू धर्म के अलावे जैन बौद्ध ये लोग भी रक्षाबंधन मनाते हैं। हमारी परंपरा रहा है कि शुरू में देखते हैं जब कृष्ण भगवान की जब समय था, उस समय द्रौपदी जो थी वह भगवान कृष्ण को राखी बांधे थे। जब उसके बाद महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए आए थे दुर्योधन और उसके पुत्र के लोग, तो उस समय कृष्ण भगवान जो है रक्षा दिए थे अपनी बहन को। तो ऐसा माना जाता है शुरू से कि बहन जो है अपने भाई के लिए लंबी आयु और अच्छे जीवन की कामना करते हैं और भाई अपने बहन के सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए वह वचनबद्ध होते हैं। यह भाई बहन का प्यार, आप सबको ढेर सारा शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन आप लोग खुशी से मनाएं और हर बहन की एक खुशियां होती है, उनकी एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको पाने में, उसकी खुशियाँ को देने में आप सपोर्ट करें। जो लोग भी खास करके जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले व्यक्ति है, उसको चार दीवारी में नहीं घेरे, उसको पढ़ाए, क्योंकि आज के समय में लड़का और लड़की दोनों एक समान है, कोई विविधता नहीं है दोनों में। आज देखिए बड़े बड़े स्पोर्ट्स में और UPSC BPSC जो स्टेट सर्विस सिविल सर्विसेज कमीशन है और संघ सिविल सर्विसेज कमीशन है, उसमें भी देखिए टॉप रैंक हासिल कर रही है लड़कियाँ। तो बेटिया बेटा से कोई कम नहीं है। आप सब लोग कहते हैं कि कई बार ऐसा मौका आता है कि जहां माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं बहन के लिए, वहां पर भाई जो है सपोर्ट करता है। तो आप लोग जहां भी मौका मिले सपोर्ट करने से पीछे नहीं आते, सपोर्ट करते रहे। फिर से एक बार आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और ढेर सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद।